समय हमें दिया है, इसके लिए इनका क्या योगदान? नमस्कार, मैं सबसे पहले तो जितने भी आयोजक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया है। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम के होने से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें गांधी जी के बारे में जानने का सुअवसर मिलेगा और निश्चित रूप से ये सबके लिए बहुत लाभदायक। तो सर, जैसे कि आजकल गांधी जी और गांधी जी की सोच के लोग मतलब बहुत ही गलती चली जा रही है, क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो आप उसे क्या प्रेरित करना चाहेंगे? गांधी जी उस समय भी प्रासंगिक थे, आज भी प्रासंगिक थे, केवल उनकी भावनाओं को मूल रूप तक समझने की आवश्यकता अग्रह था। आज भी गांधी जी के जितने भी सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही लाभप्रद हैं और हम सबके लिए उसका बहुत ही जीवन है। तो सर, जैसे कि ये प्रोग्राम आज कार्यक्रम उत्थान समिति के द्वारा और बहुत ही विशेषज्ञों के द्वारा किया गया है, तो इससे मतलब आपका मतलब जैसे पर्यावरण के क्षेत्र में उत्थान समिति काम करती है, तो उसमें आप लोगों का क्या सहयोग रहता है? तो उत्थान समिति के लोगों से निरंतर संपर्क में रहता हूँ और समय समय पर हम लोग मिलते रहते हैं, जो भी उन्हें आवश्यकता हो सके उसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं और वो संतुलन उत्पन्न हो रहा है। जी धन्यवाद सर, आपका एक कीमती समय हमारे को मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम। और हमारे बीच हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी आ चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सांसद डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी बहुत ही लाजवाब शख्सियत।